हार के डर से बौखला उठे कमल छाप नेता। भरी सभा में कमल छाप नेता ने उगला जहर। हिंदू मुस्लिम के नाम पर परोसी गंदगी, लेकिन साहेब के लाडले को भारी पड़ गया हिंदू मुस्लिम का नाम। लोगों ने सरेराह उड़ा दी जमकर धज्जिया। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखा, आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। अभी अभी हमारा सांसद जी ने भाषण दिया था, वसुधैव कुटुंबकम हम जानता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम विश्व को हम दिया हूँ। हमें सेकुलरिज्म का बात मत सिखा। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप राम मंदिर को तोड़ के बाबर का नाम में मस्जिद बनाएगा, इसको सेकुलरिज्म नहीं बोलता है। कमल छाप नेताओं की भाषा, सोच और मानसिकता को देखने के बाद आपको ये कहते हुए जरा भी गुरेज नहीं होगा कि ये संवैधानिक कुर्सी पर नहीं संगठन के ऑनर बने बैठे हैं, जो मुंह खोलते ही धर्म के नाम पर जहर उगलते हैं। ये कमल छाप नेता धर्म के नाम पर आपको केवल जहर परोसते हैं, वो जहर जो समाज में नफरत को रोज बढ़ावा देता है। ये कमल छाप नेता साहेब के एक इशारे पर ताता थैया कर थिरकने लग जाते हैं और इस नाच में भूल जाते हैं कि ये क्या गंदगी उगल रहे हैं। लेकिन असलियत तो ये है कि धर्म से कोसों दूर ये कमल छाप नेताओं की टोली का धर्म से कोई सरोकार होता ही नहीं। ये आका के वो टट्टू हैं जो वोट बैंक बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम राग अलापते हैं। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखा, आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। अभी अभी हमारा सांसद जी ने भाषण दिया था, वसुधैव कुटुंबकम हम जानता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम विश्व को हम दिया हूँ। हमें सेकुलरिज्म का बात मत सिखा। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप राम मंदिर को तोड़ के बाबर का नाम में मस्जिद बनाएगा, इसको सेकुलरिज्म नहीं बोलता है। ये महाशय साहेब के लाडले नेता है। इनकी जहर उगलती जुबान से आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि सत्ता के दम पर किस तरह गोते खाते हैं कमल छाप नेता। आका के प्यारे मंत्री चुनाव के समय बरसाती मेंढक की तरह यहाँ वहाँ फुदक रहे हैं। साहेब की छत्र छाया में आगे बढ़ रहे मंत्री पांच राज्यों में चुनावी बाजी में आका की हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। देश के एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स को सुनिए क्या कहता है वो। ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का रहेगा। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखा, आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। अभी अभी हमारा सांसद जी ने भाषण दिया था, वसुधैव कुटुंबकम हम जानता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम विश्व को हम दिया हूँ। हमें सेकुलरिज्म का बात मत सिखाओ। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप राम मंदिर को तोड़ के बाबर का नाम में मस्जिद बनाएगा, इसको सेकुलरिज्म नहीं बोलता है। सुनिए कि कैसे कमल छाप नेता सत्ता के नशे में चूर होकर लोकतांत्रिक देश को अलोकतांत्रिक बनाने की साजिश रच रहा है। धर्म के नाम पर छाती पीटने वाले कमल छाप नेता चीख चीख कर आपको बता रहा है कि हम हिंदू हैं और ये देश हिंदुओं का है। संविधान को ताक पर रखकर कमल छाप नेता आपको ज्ञान दे रहा है कि सेक्युलरिज्म को वो नहीं मानते। सच तो ये है कि बिगड़ेल मंत्रियों को मुस्लिम परस्त और मुसलमानों से सख्त नफरत है। चंद वोटों के नाम पर बार बार संविधान को कटघरे में खड़े करने वाले कमल छापों की फौज हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बनाती है, हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक बनाती है। और अब जब सत्ता की कुर्सी पर बन आई तो सारे कमल छाप टट्टू एड़ी से चोटी का जोर लगाने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं और अपनी सड़ी हुई मानसिकता और जहरीली भाषा के दम पर समाज में गंदगी उगल रहे हैं। स्पेशल डेस्क दिकंटापुर।